किसी को क्या मालूम था कि दो दिनों में ही हिंदी सिनेमा को दो तगड़े झटके इस तरह लगेंगे कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कैसे, क्या, कब और क्यों, ये वो शब्द है जो सभी की जुबां पर है। वजह, एक साथ बॉलीवुड के दो दिग्गजों को खोना। कल बॉलीवुड के मदारी इरफान खान ने बेहद कम उम्र में दुनिया से अलविदा कह दिया और आज बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने ये खबर, ये दिन, ये रात एक काले सपने ही जैसा महसूस हो रहा है जो धीरे धीरे सब कुछ अपनी आगोश में ले रहा है। क्या आम, क्या खास, इन दो हीरो को खोने पर आज सबकी आंखें नम है। ऐसे में नमस्ते लंदन, हाउसफुल 3 और पटियाला हाउस जैसी मूवीज में उनके साथ काम कर चुके सुपरस्टार अक्षय तो मानो इस खबर से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उससे पहले कि आपको बताएं अक्षय ने उनके लिए क्या कहा, बता दें कि 67 ईयर्स ऋषि कपूर को कल से सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आज सुबह तक यही बताया जा रहा था कि उनकी हालत अब पहले से सुधरने लगी है, लेकिन सांस से जीवन की जोर इस कदर अचानक टूट जाएगी किसी को ना मालूम था। जैसे ही उनके अलविदा कहने की खबर पूरे देश को हुई, सभी गमगीन हो उठे। देखिए अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए क्या कहा, इट सीम्स लाइक वी आर इन द मिडल ऑफ नाइटमेयर, जस्ट हैड द डिप्रेसिंग न्यूज ऑफ ऋषि कपूर जी पासिंग अवे, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, ही वॉज अ लेजेंड, अ ग्रेट को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ द फैमिली, माई थॉट्स एंड द प्रेयर्स विद हिज फैमिली। सिर्फ अक्षय ही नहीं बल्कि ऐसे ही स्तंभ इस खबर से हर बॉलीवुड का वो एक्टर या एक्ट्रेस है जिन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और उम्दा जज्बे के लिए जाने जाते ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हर दौर की फिल्म में अपने काम का डंका बजाया और यही वजह है कि उनके जाने की कोई बात कोई समझ ही नहीं पा रहा। वेल, हम क्या ही कहे, आज शब्द और हम दोनों मौन है, लेकिन दिल से एक ही दुआ है कि ऋषि जी आप जहां भी रहे आपकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही आपका इंडियन सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूशन यादगार था, यादगार है और हमेशा ही यादगार रहेगा।